कानपुर के किदवई नगर के जूही कॉलोनी स्थित एक घर में दो बदमाश घुस गए। वहीं बदमाशों से मोर्चा ले रही वृद्धा की बदमाशों से हाथापाई भी हुई। इसी बीच उनका बेटा गोली लेकर पहुंचा, जहां उसने फायरिंग की। इस फायरिंग में गोली उसकी मां को लग गई। इसी बीच बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं वृद्ध महिला को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। नवील अहमद के साथ में क्या घटना है, पूरी जानकारी देंगे? ये जो है पीछे से कोई ऊपर से पता नहीं किस तरह रास्ते से दो आदमी अंदर घुस गए जी। और माँ को आहट लगी, माँ ने आवाज दी लड़के को। लड़का जब तक आया या बंदूक लेके दौड़ा, लाइसेंसी बंदूक है लड़के के नाम है, वो लेके दौड़ा और छीना झपटी हो गई। तो वो जो आए हुए थे उसने जो है उसी छीना झपटी में फायर हो गया माँ के, उसमें गोली लग गई। माँ को जब देखा गोली लगी तो माँ को पकड़ा तो वो पीछे के दरवाजे से निकलवा गए। तकरीबन कितने लोग रहे होंगे? तकरीबन दो लोग बता रहे हैं। घर में कितने लोग मौजूद थे उस समय? घर में जो है चार लोग थे, वालिद सो रहे थे और बीवी उनकी सो रही थी। लड़के को आहट, माँ ने आवाज दी, लड़का उठ के दौड़ा। किसी से कोई दुश्मनी या कोई और बात किसी निकल के से सामने कोई तो नहीं? दुश्मनी नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं किसी से। चोरी के लालच से लोग? चोरी की लालच से आए थे वो।